हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बयान। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है और ये नोटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कह क्या रहे हैं। अब आपके दो पेपर होंगे क्लास थ्री के लिए, बड़े ध्यान से देखिए। अब देखिए, यहाँ पर सीवीटी टेस्ट भी आपका हो सकता है और ऑफलाइन टेस्ट भी आपका हो सकता है। ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि ओएमआर शीट पर आपका टेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर सीवीटी टेस्ट होता है तो किन हालातों में लिया जा सकता है। सिंपल सी बात है, देखिए, अगर मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर लाखों के हिसाब से बच्चा अप्लाई कर देता है किसी पोस्ट के लिए, मान लीजिए कोई भी पोस्ट है, ठीक है, 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख 1 लाख इतना बच्चा किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है, ठीक है, तो वहां पर ओएमआर शीट पर टेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतने सीवीटी के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, क्योंकि हिमाचल में आपको पता है कि लाइब्रेरी नहीं है कि कंप्यूटर के टेस्ट लिए जा सके, कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट लिए जा सके, ठीक है। और कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होता है तो आपको पता है कि फिर शिफ्टों के हिसाब से पेपर होगा, क्लियर, यानी कि पेपर मॉर्निंग में पेपर किसी का होगा, फिर आफ्टरनून में पेपर होगा और फिर इवनिंग में जाके पेपर होगा, ठीक है, तो 3 शिफ्टों में पेपर होगा, जैसे कि आईबीपीएस हो गया, पीओ हो गया, बैंकिंग हो गया। अब तक आपको पता होगा कि वो सारे के सारे पेपर सीवीटी होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के जरिए पेपर आता है, ठीक है, उसी समय पेपर आपको आता है और कंप्यूटर के ऊपर आपको क्लिक करना होता है, जो भी ABCD ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, और फिर आपका टेस्ट सबमिट हो जाता है, एक जो ऑनलाइन टेस्ट की तरह इसको हम कहते हैं, ठीक है। और एमआर शीट पर आपको पता ही है कि सर्कल लगाना होता है और उसके बाद आपको सबमिट करवाना होता है पेपर, ठीक है, ये 2 स्टेप है। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो पेपर 1 होगा, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्या कंडक्टर के लिए, JVT के लिए, नर्सेस के लिए, आयुर्वेदिक के लिए, बहुत सारी कंफ्यूजन है। देखिए, सिंपल सी बात है, जो पेपर 1 होगा, ठीक है, वो सेम ही रहेगा, चाहे आप JVT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी TGT आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 आपका सेम ही होगा, ठीक है, पेपर 1 सेम ही होगा, जिसमें देखिए जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स का रहेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश अगर आपको पक्का करना है तो माई डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा है, MCQs आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, MCQs के साथ साथ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जितने ज्यादा आप टेस्ट लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, उतने ज्यादा आप टेस्ट लगाना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो डेप्थ में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता है, ठीक है, डेप्थ का मतलब क्या होता है, काफी मॉडिफिकेशन करता है क्वेश्चन में, बहुत मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है। अब देखिए, GK की बात होती है तो GK इतना वास्ट है जी, क्या करें, कौन कौन से टॉपिक्स, देखिए GK चाहे आपकी एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, लेकिन मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 2 तो आपको बिल्कुल पक्के करने पड़ेंगे अगर आपको इस पेपर में अपीयर होना है, ठीक है। और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको ज्यादातर जो भी MOUs है, समझौते हैं, ठीक है, भारत सरकार ने अगर कोई समझौता किया है किसी देश के साथ, ठीक है, तो वो किस टाइप में किया गया है, ठीक है, वो उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और नेशनल जो करंट अफेयर्स रहेगा वो ज्यादातर आपको अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, फेमस पर्सनैलिटी टाइप क्वेश्चन होगा, किसी फेमस पर्सनैलिटी की अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है तो वो किससे, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका काम उसने क्या किया, अगर उसको कोई अवार्ड मिला है तो किस उद्देश्य में मिला है, ठीक है, उसका पर्पस क्या था, ठीक है, उसने क्या चीजें की अपनी लाइफ में, वो वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक आपका हो गया स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन, अगर किसी महिला ने हाल ही में, ठीक है, कोई भी अचीवमेंट हासिल की है, बहुत बड़े लेवल पे हासिल किया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा उसके खेल से संबंधित, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। और साथ में देखिए, यहाँ पर जितने भी हाईलाइटेड फैक्ट क्वेश्चंस रहेगा करंट अफेयर्स का, वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, चाहे वो आपके वर्ड्स हैं, थीम्स हैं, ठीक है, डेज हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन मॉडिफिकेशन ज्यादा देखने को मिलती है क्वेश्चंस में, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो देखिए, 10th लेवल की आपको हिंदी पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके कारक हो गया, सर्वनाम हो गया, संधि हो गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। और इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पे कहीं से भी सीख सकते हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको इंग्लिश के मिल जाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश ही है, ठीक है, ग्रामर पोर्शन एक ही होता है, हिंदी पोर्शन जो है वो एक ही होता है, ठीक है, इसके बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, अगर आपको रूल्स पता है तब आप इजिली निकाल सकते हैं। तो क्या रूल्स पता होने से क्या एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपके अभी तक टेस्ट जो वो अधूरे हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आपको लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आप लगाओगे तो आप
आपको पता चलेगा कि आपका रैंक क्या है, आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारे टेस्ट हम आपके वैसे भी लेते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं ये सारे टेस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। जीके में देखिए आपकी पॉलिटी हो गया, ठीक है, आपका इकोनॉमी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, क्वेश्चंस तो बनेंगे, ठीक है, इस ये पूरा का पूरा जो आपका जनरल स्टडीज रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेपर टू इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। देखिए मान लीजिए कि कोई टीजीटी का, ठीक है, टीचिंग का टेस्ट, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि उसको साइकोलॉजी भी आएगी, उसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोलॉजी भी आएगी, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन उसको देखने को मिलेंगे। अब जैसे कोई कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पेपर टू में, तो उसको तो ये सारे मतलब नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के पेपर में तो सीडीपी नहीं आएगी, ठीक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र तो आएगा नहीं, ठीक है, साइकोलॉजी तो आएगी नहीं, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या आएगा सबसे ज्यादा आपको जीएस पोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका चेक किया जाएगा लेवल, ठीक है, हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमी भी आएगी, इकोनॉमी के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आएगा, एसपीजी के भी आएगा, ठीक है, तो ये रहेगा। अगर मान लीजिए कि कोई नर्सेस की तैयारी कर रहा है तो उसको अपने सेगमेंट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, फिर उसको जो नर्सिंग क्वेश्चंस है वो उसको देखने को मिलेंगे पेपर टू में, ठीक है, मतलब यहाँ पर पेपर टू में चेंज हो जाएगा फिर, क्लियर। अब जैसे कोई आयुर्वेदिक की तैयारी कर रहा है तो फिर उसको आयुर्वेदिक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। अब देखिए आपने मुझे बताना है कि ये रूल आपको कैसा लगा है, ठीक है, आप सभी कमेंट करिए, ठीक है, कि आपको क्या क्या इसमें फर्क लग रहा है, अच्छा है रूल, नहीं है अच्छा, किस तरह से है, ठीक है, ये आप मुझे बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग जो हो आप ये करेगा, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, 35% आपके होने ही चाहिए फर्स्ट पेपर जो आपका होगा, ठीक है, अगर आपका 34% आ रहे हैं बाहर हो जाओगे, पेपर टू आपको मिलेगा ही नहीं देखने के लिए, ना तो आपकी कोई मार्क्स ना तो फिर कोई कट ऑफ निकलेगा, ठीक है, 35% आपके मिनिमम होने ही चाहिए तभी आप पेपर टू में बैठ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि एक से लेके, ठीक है, जो नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो रेशियो है 1:6+3 का रेशियो यहाँ पर रखा गया है, और अगर 11 से ऊपर है, ठीक है, किसी पोस्ट में एडवर्टाइज हुई है तो वहां पर 1:5 रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है देखिए मान लीजिए अगर आपका पेपर वन में आपके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपने लिए, मान लीजिए आपने 76 मार्क्स ले लिए आपने पेपर वन में, ठीक है, और पेपर टू में आपके यहाँ पर थोड़े से मार्क्स कम हो गए हैं, ठीक है, पेपर टू में क्या हुआ आपके मार्क्स जो है वो थोड़े से कम हो गए, कितने कम हो गए, मान लीजिए आपके 70 मार्क्स आ गए, ठीक है, और दूसरा जो कैंडिडेट है उसके भी 70 मार्क्स आ गए, ठीक है, उसका 70 मार्क्स आ गया, लेकिन उसका पेपर वन में 77 मार्क्स था, ठीक है, तो यहाँ पर अब प्रायोरिटी किसको मिलने वाली है, इस बच्चे को प्रायोरिटी मिलने वाली है जिसने पेपर वन में 77 लिया, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पर बाहर हो जाओगे फिर, ठीक है, 76 अगर आपने लिए मान लीजिए, ठीक है, पेपर वन में, तो इसलिए पेपर वन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, अगर आपका पेपर वन में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, तब आपका पेपर टू में तो आपको बैठने को मिल जाएगा अगर आपके 35% से ऊपर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खेल कहाँ पे हो जाएगा, खेल वहां पे हो जाएगा अगर किसी बच्चे ने आपके भी 70 मार्क्स है, उस बच्चे के भी 70 मार्क्स है, लेकिन उसका पेपर वन जो था उसने 77 मार्क्स ले लिया, तो अब यहाँ पर उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी 77 वाले को, ठीक है। तो रूल्स आपने मुझे बताना है, कमेंट करके बताना कि किस तरह से आपको लगा है, और बाकी ये सारी चीजें बहुत फॉर्मेलिटीज में बताया गया है, ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको मैंने सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि कोई डाउट्स अब आपका रहना चाहिए, क्योंकि पेपर वन पेपर टू में बहुत कंफ्यूजन था, ठीक है, और कि कट ऑफ का क्या होगा, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, ठीक है, और ये सारी चीजें पेपर वन में आपको बताई दी है मैंने, ठीक है, 30-30, 20-20, ठीक है, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सारी चीजें 30 मार्क्स की रहेंगी, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, और पेपर टू में भी आपको मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है, पेपर टू आपका सेगमेंट ऑफ टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपका जो फील्ड है उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यानी कि कोई नर्सेज है तो उसको नर्सिंग के क्वेश्चन होगी, आयुर्वेदिक का तो आयुर्वेदिक के क्वेश्चन होगा पेपर टू में, और अगर कोई जैसे कंडक्टर का कोई तैयारी कर रहा है तो उसको ज्यादातर जीएस पोर्शन देखने को मिलेगा। जीएस का मतलब क्या होता है, जनरल स्टडीज, जिसमें आपका सारा ही आता है, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया,
इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एचपीजी, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा फिर उसमें, ठीक है। उस बेस में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, इस पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर लेना एक बार, कहीं पर भी डाउट आ रहा है तभी व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।